मॉर्निंग राधे राधे। तो देखिए यहाँ पर सुबह सुबह हो रही है बारिश। अभी मैंने गेट खोला ना तो बारिश हुई है और बहुत टाइम से बारिश हो रही है। तो दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए बाहर कैसे बारिश हो रही है। वैसे ही इतना ठंडा मौसम हो रहा था और बारिश होने के बाद तो और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो देखिए सुबह सुबह मैं यहाँ पे गेट खोला मैंने तो ये बारिश हो रही है। और ये करीब 7:30 बजे का टाइम हो रहा है और बारिश पड़ रही है, और वो भी बहुत टाइम से पड़ रही है। पता नहीं कितने बजे से आवाज़ आ रही थी कमरे में, लेकिन मैं उठी नहीं क्योंकि जब इतना मौसम ख़राब हो रहा था तो मैंने कहा उठ के भी क्या करना। तो देखिए यहाँ पर अभी मैंने गेट खोला आके, तो यहाँ पे तो बारिश हो रही है। ऐसा मौसम हो रहा है हमारे यहाँ का ना। लेकिन आज ना कोहरा नहीं है इतना, कोहरा बहुत कम है, आज कोहरा नहीं है बारिश की वजह से शायद। कल बहुत था, कल तो इतना था कि पूरा दिन ना दिखाई भी नहीं दे रहा था बिल्कुल भी कुछ भी। और ये देखिए आज बनाना है मुझे साग, मेथी, पालक और थोड़ा सा बथुआ भी डालूंगी इसमें से, बचा लूंगी अभी एक गड्डी ना इस ये उसके लिए बचा लूंगी, जैसे आटे में मिक्स करते हैं ना तो उसके लिए बचा लूंगी। और देखिए ये सारा साग मुझे साफ़ करना पड़ेगा और ये थोड़ा सा ना कर भी चुकी हूँ मैं और देखते हैं इसको कितने टाइम में कर पाते हैं, क्योंकि मेथी पालक का साग बनाना ना सबसे ज़्यादा परेशानी होती है साफ सफाई करने में। इसकी जो सफाई करनी होती है, डंडियाँ निकालनी होती हैं। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है इसमें। साग बनाना बहुत टाइम लगता है, लेकिन उतना ही टेस्टी लगता है खाने में। साग हो, मक्के की रोटी हो, बाजरे की रोटी हो। तो देखिए ये रे यहाँ पर भी बनेगा आज यही वाला साग। तो देखिए साफ़ कर लेती हूँ मैं इसको ना, साफ़ कर लेती हूँ, पता नहीं बहुत टाइम लगेगा इसको साफ़ करने में। तो और ये देखिए इसमें ना मुझे आधे घंटा लग गया साफ़ करने में सुबह सुबह ना। ये सब साफ़ कर दिया है मैंने, बथुआ भी साफ़ करके रख लिया है अलग। और ये देखिए कितना सारा ना कचड़ा निकला, ये डंडियाँ बहुत सारी निकलती हैं इसमें। और इधर ये साफ़ हो गया है, इसमें एक ही जगह कर लिया है मैंने सब। इसमें नीचे पालक भी है, मेथी भी है, तो ये सब मैंने साफ़ कर लिया यहाँ पर। और ये ना मैंने काटने वाला मंगा लिया था तो मैं ना इससे इससे काट लूँगी। और इसको ना हमारे यहाँ पे दरांत बोलते हैं, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं बताना मुझे। और देखिए मैं फिर ना हाथ से बता रही हूँ मैं काट के ना, क्योंकि पता है हमेशा ना मैं हाथ से ही काटती थी, जो कि मैं बारीक बारीक कट कर लेती हूँ। लेकिन आज मैंने मंगाया ये, मैंने कहा कभी कभी बना लेते हैं ना, साग बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा काटने में ना, ज़्यादा काटने में परेशानी होती है, तो इसलिए ना मैंने मंगा लिया था। एक पड़ोस के भैया है ना, वो गए थे बाजार तो वो उन्होंने लाके दिया मुझे ये। और बाकी देखिए मैं इसको ना अच्छे से धो लूँगी, इसको ना कई बार धोना पड़ता है, जैसे कि मैंने 2-3 बार धो लिया है। और 2 बर्तन रखे हैं मैंने, एक में से निकाल निकाल के फिर दूसरे में डाला, इस तरीके से ना मैंने अच्छे से धो लिए हैं। और उसके बाद मैं इसको निचोड़ निचोड़ के कई बार धोने के बाद इसको डालूंगी इसमें, जो कि बहुत अच्छे से धोना पड़ता है क्योंकि कोई ना किसकिसा नहीं रहता। और उसके बाद ना इसमें डालने के लिए लिए मैंने थोड़ी सी, 2 मुट्ठी होंगी या 1 मुट्ठी के करीब लिए मैंने मूंग की दाल डालने के लिए। बाकी फिर हल्दी पाउडर डालूंगी इसमें और नमक, और थोड़ी सी डाल दूंगी इसमें हींग, क्योंकि हींग ना हम बनते समय डाल देते हैं ना तो पता नहीं चलता हींग का, और अच्छा टेस्ट आता है क्योंकि मेरे घर में खाते नहीं है ना, और इस तरीके से डाल दूंगी तो पता नहीं चलेगा किसी को भी। और थोड़ा सा डाल दूंगी इसमें पानी, जो कि ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि ये पानी भी छोड़ता है ना, और फिर बाद में हम अपना कर लेंगे अगर वो होगा तो, क्योंकि बाद में भी तो करना पड़ता है उसमें। और उसके बाद में ना इसमें 2-3 सीटी मैं लगा लूँगी। और दो तीन सीटी लगाने के बाद देखिए ये साग कितना कम रह गया ना, बहुत भर गया था पूरा। और उसके बाद में देखिए, और इसको ना मैं अच्छे से
मिक्स करूँगी। और इसको ना बहुत अच्छे से चलाना पड़ेगा अभी, क्योंकि इसको मतलब बिल्कुल बारीक करना है इससे चमचे से। और मैं ना इसको बहुत बारीक कर लूँगी मैं फिर, और उसके बाद में ये फिर से बनेगा, फिर से गैस पे रखा जाएगा ये। तो पहले इसको मैं बारीक करूँगी बिल्कुल भी चमचे से ना, इसी तरीके से मिला मिला के मैं बारीक करती जाऊँगी। और दूसरी तरफ ना मुझे एक वो भी बनाना है, और इसको रख दूँगी मैं गैस पे, फिर मिक्स करने के बाद तब रखूँगी इसे गैस पे। और उसके बाद मुझे घोल तैयार करना है इसके लिए। इसमें डालूँगी मैं मक्के का आटा, जो कि इसमें आलन लगाना होता है। तो बिल्कुल देसी तरीके से बना रही हूँ, जैसे कि गांव में बनाते हैं। और इसकी जगह ना कभी कभी मैं बेसन भी ले लेती हूँ, जैसे मक्के का आटा नहीं होता ना घर पे, तो मैं बेसन यूज भी कर लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है उससे भी। तो आज तो मेरे पास मक्के का आटा था, तो इसलिए मैंने मक्के का आटा यूज कर लिया इसमें। और उसके बाद मैं रख दूंगी इसे गैस पर। देखिए कितना वो कर लिया ना मैंने इसको फैन अच्छे से हाथ से वो करके। तो और अभी इसे ना अच्छे से बनाऊंगी, क्योंकि वो हमें मक्के का जो आटा है ना उसमें बोलते हैं हम आलन लगाना, तो आलन वाला साग मम्मी को ये वाला साग ना ज़्यादा पसंद आता है। और वैसे वाला जो मैं बनाती हूँ ना उसको तो पनीर वाला तो अच्छा लगता है, लेकिन सिंपल का भी बना लो ना तो उन्हें पसंद नहीं आता है, बोलती हैं आलन वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज मैंने बिल्कुल देसी तरीके से बनाया है। और देखिए इसको मैं खूब उबाल लूँगी अच्छे से, जब तक उबाल ना आ जाए ना तब तक इसे पकने दूँगी इसी तरीके से। और दूसरी तरफ ना मैं छोंक लगाने की तैयारी करूँगी, जो कि मुझे इसमें तड़का लगाना है। और तड़का ना मैं देसी घी का ही लगाऊंगी इसमें, क्योंकि देसी घी का बहुत अलग टेस्ट आता है। ऐसा नहीं है आप किसी का भी लगा सकते हो, सरसों का लगाओ या जैसे भी आपका मन हो। और उसमें डाल दूंगी मैं जीरा और लाल मिर्ची, जो साबुत वाली मिर्च होती है ना साग में, बहुत अच्छी लगती है, साग हो कड़ी हो बहुत अच्छी लगती है उसमें। और थोड़ी सी डाल दूंगी मैं लाल मिर्ची, बाकी कुछ भी नहीं डालूंगी इसमें मैं। इसी से मेरा साग ना बहुत अच्छा बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए कितना टेस्टी सा साग लग रहा है ना, किस किस का मन कर रहा है खाने के लिए। और साग वगैरह मैंने यहाँ तैयार कर दिया है। उसके बाद मैं जा रही हूँ आज गंगा जी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। पहले साग बन तैयार मतलब साफ़ किया, बहुत काम किया घर पर, और फिर मैं जा रही थी गंगा जी, क्योंकि मुझे आ रही है जैसे अच्छा जल रहा आज है। का व्यू बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर प्यारी गंगा जी। हमारी आवाज तो आ ही नहीं रही होगी क्योंकि हवा ही इतनी तेज चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है यहाँ पे। और इस मौसम का ना एक अलग ही आनंद है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। गंगा जी पे आके पूजा करने आई थी, सोचा थोड़ा सा आपको भी दिखा दिया जाए कि कैसा मौसम हो रहा है यहाँ का, और बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए गंगा जी की लहरें, और जल भी ना आज बहुत अच्छा हो गया है, मतलब ज़्यादा बढ़ के आ रहा है। देखो कहाँ तक, देखो एक बार कितना अच्छा जल आ रहा है, देखिए देखो आ रहा है ना, बहुत अच्छा जल आ रहा है, जल की लहरें देखो आप, देखिए थोड़ा सा। और हवा का भी मन करेगा यहाँ पे। आज का व्यू बहुत ही ज्यादा सुंदर हो रहा है, ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा सुंदर है कि मतलब बहुत।
देखने मैं लायक। आपको दिखाने वाली नहीं थी, मैंने कहा क्या रोज रोज मतलब वीडियो दिखाना है यहाँ का, लेकिन फिर भी मेरा मन हुआ यहाँ आके ना, जो मौसम हो रहा है यहाँ का, क्योंकि जो ये लहरें उठ रही है ना बार बार, ये देखिए ये कह रही है कि आप लोगों से मिलना है इनको देखिए आवाज भी सुनाइए दे रही होंगी हवा की और उसकी, बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यू हो रहा है आज का। तो चलिए अब चलते मेरी हैं। आवाज तो कम ही आ रही होगी आपको इनकी ज्यादा आ रही है आज, गंगा की आवाज ज्यादा सुनिए आप, क्योंकि ये रोज रोज नहीं मिलेगी आपको सुनने को। मेरी आवाज तो रोज मिलेगी कोई बात नहीं, लेकिन गंगा जी की आवाज नहीं मिलेगी। तो वो आप देखिए थोड़ा सा कि कितनी अच्छी लहरें चल रही है, थोड़ा सा ना अभी और दिखाते हैं आप लोगों को, पूरा गंगा जी का व्यू दिखाते हैं। और आज मैंने गंगा जी की ना बिल्कुल रियल आवाज़ सुनाई आपको, जो कि मुझे भी बहुत अच्छी लग रही थी, जो आवाज़ थी वहाँ की। और हवा की वजह से थोड़ी सी आवाज़ में भी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैंने सुना मतलब आज रियल ही डाली है। और उसके बाद में घर पे आने के बाद में ना बच्चों को साग में खाना था तड़का, जो कि लहसुन और अदरक का, तो फिर मैं यहाँ पे उसका तड़का भी उसमें लगा लूँगी, क्योंकि आधा मैंने निकाल लिया था अलग से जो तड़का वाला था, और आधा फिर से डाल दूँगी इसमें। तो मैंने लहसुन को अच्छे से भून लिया है और फिर उसके बाद में डाल दिया है मैंने अदरक, जो कि कद्दूकस करा था मैंने दोनों चीज़ को। और उसके बाद में थोड़ी सी लाल मिर्ची भी ऐड करूँगी, जो कि बच्चे थोड़ा खा लेते हैं ठीक से, और उनके उसमें लहसुन का तड़का, उन्होंने बोल पहले ही बोल दिया था कि लहसुन का तड़का खाना है, तो वो आके किया फिर मैंने जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे तैयारी की, और फिर तैयारी करने के बाद में इसको रख दिया अलग, और फिर बनाऊँगी फिर पहले मम्मी बाबू जी का खाना, क्योंकि वो बिना लहसुन प्याज के खाते हैं, तो वो अलग रख दूँगी फिर उसको। और वो पहले बना दी थी मैंने गेहूँ की रोटी, बच्चों को खानी थी मक्के की, मक्के की मम्मी ने भी एक आध रोटी ले ली, लेकिन वो पूरा खाना मक्के की रोटी नहीं खाती, गेहूं की बनवाती हैं, तो इसलिए ना फिर बनाई है मैंने मक्के की रोटी बाद में। तो देखिए यहाँ पे मेरा खाना तैयार हो चुका है, साग मक्के की रोटी और खाना पीना मेरा सब कुछ बन चुका है, जो कि दोनों रोटी बनाई थी मक्के की भी और गेहूँ की भी, और मैंने अपने लिए भी बनाई है मक्के की रोटी, और मैं भी खा लूँगी। तो अब मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करूंगी और मिलूंगी आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो न्यू चैनल पे आ रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और कमेंट ज़रूर करना और लाइक तो बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए फिर, बाय बाय।